सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर, प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगियाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे जब मैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूँ, शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उन तक सुसमाचार पहुंचाया जाए। सुनो, आपको पवित्र आत्मा में भरना है। देखो, इसको एक दुष्ट आत्मा तंग करती है। होली स्पिरिट मेरे को बोल रहा है, देखो अभी वो दुष्ट आत्मा जाएगी और ये अन्य भाषा से भर जाएगी। आमीन। मित्र देख, छोड़ दे इसको, और मैं इसके सिर पर आज से उस अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। फिर से कहो, बोलो जोर से, हालेलुया। मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे खुदा, मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे खुदा, ओ मैनू यीशु दे लहू दे नाल साफ कर दे। सारे बोलो हालेलुया। आज कॉइन मीटिंग है कि नहीं? yes. सब अपने अपने कॉइन को निकालो। शमश 20 का कॉइन आ गया मार्केट में। सारे बोलो हालेलुया। नए कॉइन के साथ, नए कॉइन के साथ सब लोग अपने हाथों में पकड़ो उस कॉइन को, जो ऑनलाइन ब्रांचों में, जो जहां पर भी है। शाबाश। जिसको लगता है कि मेरे ऊपर आर्थिक तंगी है, कर्जा है, आज आप आशीष को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको चाहिए आशीष आज? कोई अपनी चेयर से उठेगा नहीं लेफ्ट हैंड, और जिससे मैं अपने कॉइन को ऊपर उठाऊं। शाबाश। अपने कॉइन को ऊपर उठाऊं, नहीं है तो दोबारा भी मीटिंग होगी, दोबारा से मांग लेना किसी से। सारे बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय मेरे प्रभु तू अनुग्रह दे परमेश्वर, कि आज पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता परमेश्वर, जैसे तूने पत्रस को कहा कि पत्रस क्यों डिप्रेशन में है, क्यों चिंता में, क्यों परेशानी में है, तेरा चिंता मत कर, तेरा टैक्स, तेरा कर्जा, तेरा परमेश्वर भरेगा। और जा विश्वास के साथ, अपने हृदय को दृढ़ कर और मेरी बात को सुन, ना दाएं ना बाएं मुड़ना, सीधा मछली मिलेगी तुझे एक रास्ते में, और इसी समय उस मछली का मुंह खोलने के बाद तुझे कॉइन मिलेगा। मेरे पिता परमेश्वर, तूने उसका कॉइन देने के बाद उस दिन से उसके जीवन में मिराकल करने शुरू कर दिए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, जो आज मैंने प्रार्थना करके ये कॉइन दिए इनको परमेश्वर, और जिनके हाथ में कॉइन है मेरे पिता परमेश्वर, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी। आज मेरे पिता परमेश्वर, ये कॉइन इनके ऊपर से वो गरीबी को हटाए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ये ब्लेस वाला कॉइन है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरे वचन में लिखा, जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसे वो भी ले लिया जाएगा। जो मैं प्रार्थना करके आपको एक कॉइन दे रहा हूँ, आपको संभाल कर रखना, आज आपको खर्च नहीं करना इसको। आप इसको रखेंगे, आपके घर में एंजल मनी डाल कर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आएगी आज से यीशु मसीह के नाम में। ग्राहक आएंगे आपकी दुकान पर यीशु मसीह के नाम में। फाइनेंस इंक्रीज होगा आपका यीशु मसीह के नाम में। हर चीज बढ़ेगी आज से यीशु मसीह के नाम में। आप अच्छे दिन को देखने पाएंगे। ये कॉइन आपके घर पर होगा। अगर आपके घर में सैलरी खत्म होगी तो बहुत सारे एंजल आपके लिए वहां पर ठहरे होंगे। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, कि ये कॉइन आज से पवित्र आत्मा जी इनके घर में आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में, इनके बिजनेस को लेकर आए। आज से वो कॉइन पवित्र आत्मा, जो सच में अनॉइंटिंग, वो मिराकल मनी आज से रिलीज करता हूँ इनके हाथों पर। इसमें जो मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन, पवित्र आत्मा जी परमेश्वर इन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, आशीष को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनकी बरकतें खुल रही हैं यीशु मसीह के नाम में। ये कॉइन हर व्यक्ति के लिए, मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान से, नेपाल से, इंडिया से,
हांगकांग से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, मैं देख रहा हूँ इंडिया के हर कोने में आज परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है उन लोगों के ऊपर जो जुड़े हुए हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, वो अपनी बरकत को देख रहे हैं यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में, आशीष को देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा राजा रबा सना युवा दे परमेश्वर इसी समय प्रभु तू खोल दे उस आशीष को, इन बच्चों की आशीष को खोल दे आदि यीशु मसीह के नाम में, खोल दे परमेश्वर इनके हाथों को इस समय परमेश्वर, खोल दे यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। सुनो यहाँ पर राजू कौन है, राजू कम हेयर, लाल जैकेट कम हेयर, हालेलुया, हाँ हाँ माइक करो, शाबाश। देखो मैं स्टेज पर खड़ा हूँ और प्रभु का आत्मा मेरे से बात कर रहा है, इसे पूछो, देखो हाँ हाँ कैमरा तेरा लाली हटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। राजू, पापा राजू मेरा नाम है, राजू राजू हाँ। तू मेरे को मिला है कहीं पे? नहीं, लेफ्ट साइड एक बंदे को बुलाया मैंने, हाँ हाँ नहीं मिला, नहीं। सुनो देखो मेरे को होली स्पिरिट ने बोला, कहाँ से आए आप? जब यूपी से, यूपी से, यूपी से जौनपुर जिला, हाँ हाँ। सुनो ये जो कॉइन है 20 का, ये मैं देता नहीं किसी को, लेकिन पर आज मैं तेरे को दूंगा, हालेलुया। सुन रहे हो पापा, यस पापा, जितने कामों में तू फ्लॉप हो रहा है, यस पापा, आज से तू एक नई ब्लेसिंग को देखेगा यीशु मसीह के नाम में, इसके बाद एक नई कार को तू देखेगा, यूपी में एक नई जमीन को देखेगा, आमीन। मैं तेरे लिए कितनी प्रोफेसियां कर रहा हूँ, नई जमीन को देखेगा, नई कार को देखेगा, नई ब्लेसिंग को देखेगा, आमीन। और कह रहा है कि आज से तेरे रोने के दिन समाप्त हो जाएंगे, जो लोग बोलते हैं कि तू कुछ नहीं करता, कह रहा है कि आज से ब्लेसिंग स्टार्ट होगी यीशु मसीह के नाम में। सुन रहे हो, आप किसको जानते हो जिसके पास बेटा नहीं है, जो आपके कजन है, कजन कौन है वो जिसको आप जानते हो इसके पास बेटियां बेटियां बेटा नहीं है, याद आ रहा है आपको? किसको जानते हो, ऐसे किसको पर्सन को जानते हो? आपको मिलेगा, ठीक है, आपको याद आएगा, वो जन आपके सामने आएगा। सुनो, और एक 18 और एक 19 और एक 20 तारीख, इन डेटों के अंदर अबलबा शबलबा बलबा शबलबा एक नया लेंटर पड़ेगा तुम्हारा यीशु मसीह नासरी के नाम में। ओ मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु, ओ मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, ओ मेरे। सुनो मैं भविष्य करता हूँ, मैं जो बोल दूंगा वो हो जाएगा। पता है बाइबल में लिखा नीति वचन के 16:1 में, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मुझे प्रभु इजाजत देते हैं तो बोलता हूँ नीति। मैं तेरे को जानता नहीं हूँ तो मुझे कहीं भी मिला नहीं है, सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं आप, नीति वचन 16:1 अपन सही कह रहे हैं, 16:1 में लिखा, कह रहे कि वहां पर लिखा मनुष्य के विचार जो है, yes. कुछ क्या लिखा पढ़े जरा, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, मन की युक्ति मैंने क्या करना उसके वश में है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। आमीन। मुंह से कहना यहोवा की ओर से आता है, हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? yes. आपके मन में जो भी सोचो बनने के लिए, yes, बाबा। लेकिन वो आप नहीं बन पाएंगे, yes, बाबा। जो मैं बना रहा हूँ मेरा प्रभु आपको बना रहा है, yes. वो आप बनेंगे यीशु मसीह, yes, समझ रहे हैं? yes, एक बहुत बड़ी ब्रांच आप खुलवाएंगे उधर यीशु मसीह के नाम में। आपने ऐसा विचार किया? यस बाबा। हाँ कम हियर, सिक्के के पास आना है, दुगना वरदान मुझे मिलेगा, दुगना वरदान मिलने वाला मुझे। हालेलुया, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, दे बसा, दे 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 दे बसा, वो दे देता ना बसा, दे दे रुका बसा, दे
ताजा बता दे दे रुका बता। टच कर रहा है पवित्र आत्मा से, रहा नहीं जा रहा से, रहा नहीं जा रहा से, क्योंकि ये अनॉइंटिंग है। मैं कह रहा हूं कि अभिषेक नहीं, ये परमेश्वर के आत्मा के चलाए जो चलते हैं। अनॉइंटिंग भी आ गई है, प्रेजेंस भी आ गई है इसके पास। रुक नहीं रहा ये, रुक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। क्यों नहीं रुक रहा? क्योंकि वो इसको चला रहा है, अब चला रहा है आस पास। इसी समय वो अभिषेक आस पास आ रहा है, आस पास। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। ब्लेस यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, दे मसा कोई जाने जाना जाने है, कोई जाने जाना जाने है, तेरे नाम दबिले जलाली यीशु, तेरे नाम दबिले जलाली यीशु, तेरे नाम दबिले जलाली यीशु। मैं जो कुछ हाँ मेरा दिए, मैं जो कुछ हाँ ओके जावागा जी मती चक के दे चल पवागा, अपने ही घर वाली चल पवागा। होया जी मती चक के दे चल पवागा, अपने ही घर वाली चल पवागा। हाथों को फिलाते हुए उसकी आंख से भर जाए सब जन। हो या जीवन की चक्की के दे चल पमगा, अपने ही घर वाली चल पमगा। हो या जीवन की चक्की के दे चल पमगा, अपने ही घर वाली चल पमगा। या दिन दिया नी रहनो ए ओ जीसस, मैं तकिया वो के जा जाएंगे, सब बैठ जाएंगे और हम गवाहियां लेंगे कि जिन लोगों ने विश्वास किया, प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और खुदा ने उनके जीवन में गवाहियों को बनाया, हम गवाही लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी इन सभी की बहुत बड़ी गवाही है। जब भाई बता रहे हैं कि जी काफी टाइम से जब बहन 10 साल से घर बनाना चाहते थे
लेकिन बना नहीं पा रहे थे। जैसे ताजपुर चर्च में और प्रोफेसर को रिसीव किया, ये घर के साथ ब्लेस आ चुके हैं। मेनू जी सुना मिल गया वो दुखा तोरा सेवादार मूवी वाले कैमरे वाले सारे जय मसीह दी। और सब तो बड़ी गवाही यह है पास्टर जी कि प्रभु यसु मसीह ने सानू जिंदा रखिया अज तक और अपनी हजूरी दे विच लैके आया। जोरदार ताड़ियां प्रभु यसु मसीह दे नां दे, जोरदार ताड़ियां। और मेरे मैं विश्वास करता हां जिन्नी भी कलीसिया अज इत्थे बैठी आ कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। आशीष लैके जाणगे, बरकतां लैके जाणगे, चंगाइयां लैके जाणगे। गवाही आपकी गवाही। गवाही मेरी है कि बुधवार नूं स्पैशल मीटिंग सी और मैनू मंगलवार बहुत ज़्यादा बुखार सी और जो सुबह बुधवार होया तो मैं घरदिआं नूं कहा भी चंडीगढ़ जाना, वो कहिंदे तुसीं दवाई लैके जाओ चंडीगढ़ चल जाओ। मैं क्या जिथे मैं जाना वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है, हकीमों का हकीम है और प्रभु यसु मसीह जिंदा परमेश्वर है, हर एक दे दुख सुनदा। प्रभु ने मैनू सिफा दित्ती और मैं चंडीगढ़ गया। जो इतों 2 बजे बस चली और सारे रास्ते से वर्षा करते गए, मेरे भरा मेरे नाल सी, भैणा ही मेरे नाल, बहुत चंगा लगा और प्रभु ने बहुत सारी आशीष और बरकत दित्ती। और कल भी मैनू बुखार सी ते घर दे कहिंदे दवाई लै लो सवेरे चर्च जाना, मैं कहा दवाई नहीं लैनी, दवाई मेरा परमेश्वर ही मैनू चंगा करन वाला परमेश्वर है, चोने चंगा कीता अज मैं तुहाडे सामने खड़ा। जय मसीह दी, जय ब्रदर की गवाही लेंगे। आप सबको जय मसीह की, पूरी क्लेश है को जय मसीह की। मेरी गवाही यह है कि मैं 10 साल से मकान बनाना चाह रही थी और बना नहीं पा रही थी। एक दिन मैं चर्च में आई तो प्रोफेक्टिस बोल रहे थे कि जितने एम नाम वाले उनको मकान की ब्लेसिंग होने जा रही है और मैंने रिसीव किया और मेरा मकान 2023 में बन गया। हालेलुया। आपने गवाही को सुना कि ब्रदर ने बताया बीमार थे लेकिन विश्वास किया कि जब मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में चर्च में जाऊँगा खुदा मुझे चंगा करेगा और ब्रदर चंगे हुए और सिस्टर को घर की आशीष मिली। यदि आप भी चाहते हैं आपका काम कोई नहीं बन रहा तो आप भी खुदा की हजूरी में ज़रूर आएँ, संडे चर्च आएँ और खुदा आपके जीवन में भी गवाही को बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट गवाही की ओर जाएंगे, खुदा का थैंक्स करेंगे। नेक्स्ट गवाही, नेक्स्ट गवाही लेंगे। हालेलुया। पासी जी इन सबकी बहुत बड़ी गवाही है। जे लोग अपनी गवाही में बता रहे हैं कि काफी समय से नशा करते थे, आजाद होना चाहते थे लेकिन नहीं हो पा रहे थे, जब जैतापुर चर्च में आए अनॉइंटिंग ऑयल वाटर को यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, जे बता रहे नशे से आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। गवाही देंगे, गवाही। मैं 15 साल से दारू पीता था, मैं पिछले संडे को आया, जो है साहब ने बताया ऐसे ऐसे कि मैं छोड़ दिया दारू, अब नहीं पीता मैं दारू। क्या बताया आप बोले साहब है ना, प्रॉफिट जी कह रहे कहते साहब ने बताया या? जी, जी, जी। प्रॉफिट जी ने क्या बोला कि जो नशा करते हैं आजाद होने के लिए जा रहे हैं? जी बताए, ऐसा ऐसा बताए, मैं समझ गया
प्रार्थना किया प्रभु जी से और आप आजाद हो गए, नेक्स्ट ब्रदर की गवाही लेंगे। हालेलुया, सारी इकलीसिया और सारी मिनिस्ट्री को जय मसीह की। मैं सितंबर महीने दे विच इत्थे रिसीव किया सी, 25 साल तो मैं नशा करता सी और वाटर और तेल यूज किया, मैं नशे तो आजाद हो गया। हालेलुया, नेक्स्ट। हालेलुया, सपना जी को नमस्कार और जय मसीह की। और 20 साल से मैं नशा करता था, वाटर ब्लू किया मैंने, नशा खत्म हो गया मेरा। हालेलुया, सबको जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की, सपना दीदी को जय मसीह की। मेरी बाबा सिरी था, 4 साल से मैंने वेल वाटर यूज किया और यहाँ की मट्टी खाई और मैं चंगी हो गई हूँ। चंगी होगी नी, मैं चंगी होगी, ओ चंगी होगी नी, मैं चंगी होगी नी, मैं चंगी होगी नी, मैं चंगी होगी। चाचा आपने गवाही सुनी, ब्रदर ने बताया कि फर्स्ट टाइम आया लास्ट संडे, परमेश्वर के दास बोल रहे थे कि जो वचन को सीख रहे हैं और प्रोफेटिक वर्ड रिसीव कर रहे हैं, खुदा उन्हें नशे से आजाद करने के लिए जा रहा है। ब्रदर बोलते कहते साहब ने बोला और मैंने रिसीव किया, मैं समझ गया कि क्या परमेश्वर मेरे जीवन में करना चाहता है, आज आजाद हो गया। सिस्टर ने बताया ये भी यहाँ से चर्च की मिट्टी को लेकर गई, खाई और खुदा ने नशे से आजाद किया। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज जैसे परमेश्वर के दास ने बोला कि यहाँ एनॉइंटिंग है, अगर आप विश्वास कर रहे हैं ऑनलाइन चर्च, आप जहाँ भी हैं वही खुदा आपको आज चंगा करने के लिए सामर्थ्य है यीशु मसीह के नाम में। जोर से ताड़ियां बजाएंगे, खुदा का थैंक्स करेंगे। नेक्स्ट गवाही सुनेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट। ओ मीठा मीठा हंसन के खुल के ओ हंसन के, मीठा मीठा हंसन के खुल के ओ हंसन के, ओ मीठा मीठा हंसन के खुल के ओ हंसन के, मीठा मीठा हंसन के खुल के ओ हंसन के। अज तू आना नाल होवेगा गवैया सुन के शैतान रोवेगा, गवैया सुन के शैतान रोवेगा, गवैया सुन के शैतान रोवेगा। हालेलुया, पास्टर जी इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनके मदर पिछले दिन ही पूरे हाफ डेड हो चुके थे, 12 घंटे तक उनको बिल्कुल होश नहीं आया। जैसे इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया, बता रहे हैं वो बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। गवाही सुनेंगे। हालेलुया, पास्टर सपना को जय मसीह और प्रॉफिट विजेंद्र को जय मसीह। और मेरी ये गवाही है, मेरी मदर एक हफ्ता से तबीयत खराब था, बुखार था, और अचानक कल दिन में 8 बजे से लेकर 11 बजे रात तक बेहोश थी, तो हम अभिषेक किया हुआ तेल यूज किया और चंगी हो गई है। हालेलुया, यह है विश्वास। जैसे परमेश्वर के दास कितने समय से एक वचन हमें बार बार गाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। किसी यायर की बेटी भी बीमार थी और सूबेदार का जो प्रिय सेवक था वो भी बीमार था, उन्होंने यीशु पर विश्वास किया, यीशु यदि तू यहीं से कह दे तो मेरा बच्चा मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आज आप भी जहाँ कहीं भी हैं, ब्रदर ने बताया कि परमेश्वर के दास ने प्रोफेटिक वर्ड कहे कि यदि कोई बीमार है खुदा उसे चंगा करने के लिए जा रहा है। एनॉइंटिंग वाटर का इस्तेमाल किया, एनॉइंटिंग ऑयल को इस्तेमाल किया और इनकी गुड़िया आज बिल्कुल चंगी हो चुकी है यीशु के नाम में। चंगी हो गई नी, मैं चंगी हो गई, ओ चंगी हो गई नी, मैं चंगी हो गई, मैं चंगी हो गई नी, मैं चंगी हो गई, चंगी हो गई नी, मैं चंगी हो गई। कितने को विश्वास है आज खुदा काम करने वाला है, तो बस विश्वास करें। आज परमेश्वर जीवन में आपके जहां पर भी आपको जरूरत है वहीं आकर आपसे बातचीत करने वाला यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट गवाही को सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही है। ये सभी जन अपनी गवाही में बता रहे हैं, इन सभी को इवन स्पिरिट की प्रॉब्लम थी और ये आजाद होना चाहते थे पर आजाद नहीं हो पा रहे थे, और जैसे ये ताजपुर चर्च में आए इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया और प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, आज ये बता रहे हैं इवन स्पिरिट की प्रॉब्लम से आजाद हो चुके हैं। मैं उछली उछल के नचा, मैनू दर्शन होया यीशु दा, मैं उछली उछल के नचा, मैनू दर्शन
यीशु दर्शन होया यीशु दा मेरे गवाही ये है कि मैं ना दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई थी और मैं ना बेविचार में भी थी कि जैसे पहले ना जब मूर्ति पूजाओं में थी ज़्यादा लोगों को जादू टोना सब कुछ करना झाड़ फूंक सब बच्चे को अपने पास लेके आते थे जैसे होता नहीं कि जब बाबा लोग होते हैं कि किसी के बच्चे को झाड़ फूंक करना किसी को मतलब कि जैसे हम सोचते हैं कि हम ही महान हो गए है ना जादू टोना करना किसी की बच्चे को झाड़ फूक करना ताबीज बांधना ये सब मेरा काम हुआ करता था तब ठीक है आज से कम से कम 30-35 साल काम कर रही हूँ ये सब चीजों का आप अभी कैसे अभी चंगे हुए आप ये बताओ आप कैसे चंगे हुए दुष्ट आत्मा से मैं दुष्ट आत्मा से चंगे हुए जब से मैं प्रभु को जानने लगी क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मैं नहीं जानती पहले क्योंकि मैंने ना उनके बारे में बहुत भला बुरा कहती थी और आज आप खुदा की गवाही देने के लिए यहाँ पे आई हो हाँ जी आज जो ना फिर मैंने प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुआ और मैंने वो सारे काम जो काम करते थे वो सारे छूट गया और छूट गया नेक्स्ट सिस्टर की गवाही नेक्स्ट पापा जी को जय मसीह की मेरी गवाही ये है कि मैं 5 साल से दुष्ट आत्मा से परेशान थी जी मैं अब ठीक हो गई हूँ आप कैसे चंगे हुए मैं वाटर और ऑयल लगाए और आप चंगी हो गई नेक्स्ट ब्रदर की गवाही लेंगे नेक्स्ट सारी कैलसी को जय मसीह की पापा जी को जय मसीह की मैं मेरी गवाही है कि मेरे पापा जी हाफ डेड हो गए थे तो मैंने प्रार्थना किया तेल लगा के तो उनको होश आ गया और डॉक्टर ने बताया इनको खून चढ़ेगा फिर तो उसके बाद में मैंने मेरे पास पैसे नहीं थे मेरे घर वाले बोले क्या करूँगा आपका मेरा बाप ऊपर बैठा है वो सही करेगा फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोला खून पूरा हो गया कोई खून चढ़ने की जरूरत नहीं है हेलो सर भैन भाइयों मेरी जय मसीह दी पूरी संगत नू मेरी जय मसीह दी जिन्ने भी इत्थे बैठे रहे जो भी काम करे सारिआं नू सपना पास्टर जी नू बड़े पास्टर जी नू भी मेरी जय मसीह दी मेरी गवाही मैं 2023 तो 22 तो इत्थे आ रही खुदा ने मेरे जीवन च बहुत काम किते पर पिछले शुक्रवार असीं जिस बस नाल आने नीलम आंटी नाल संगती नाल मेरे घर संगत ही पर खुदा दे दस जदों भी साडे सपनिआं च आंदे ही ओह मेरे बच्चिआं ते ही दुआ करके जांदे ही पर जिसले मेरे बच्चों से दुआ करते मेरी बेटी बोलती कि मम्मी जदों भी अपने भरा का नाँ लैके कहती गौरव से दुआ होंगी ये चीकदा मम्मी ये तो दुष्ट आत्मा है मैं कहा कोई नहीं आप दुआ करा लाँगे पर आप स्पैशल बीज बीज के अपने बेटे से भी मैं दुआ कराई सी 13 तरीक न पिछले महीने खुदा ने उहदा भी जीवन बदल दिता इस शुक्रवार पास्टर सिंह बजिंदर मिनिस्ट्री की तरफ तो मैं अपने घर संगत रखाई दी ही जदों खुदा दे दास ने मेरे घर च वचन भेजिया उत्थे मेरी बेटी दी जो दुष्ट आत्मा ही 3 साल तो वह मेरी बेटी उत्थों आजाद हो गई है वह दुष्ट आत्मा सानू मैनू बहुत मार रही सी मेरी लत्तां मार रही सी कहती तेरी वजह नाल ही सारा कुछ होया कि तू इत्थे संगत रखाई तां वह दुष्ट आत्मा जिहड़ी जाहिर होई वह कहती मैं बाइबल भी फाड़ देनी है पास्टरां नाल भी बहुत विरोध कर रही थी आपने रिसीव किया प्रेयर को आपके सामने लाइन लगी हुई है चर्च जिनमें इविल स्पिरिट की प्रॉब्लम थी प्रोफेटिक वर्ड रिसीव किए परमेश्वर के दास जब प्रार्थना करते हैं कि आप विश्वास करो खुदा का आत्मा आपको छू रहा है आपके सामने लाइन लगी हुई है ब्रदर ने बताया उनकी बॉडी में ब्लड कम था और विश्वास के साथ प्रोफेटिक वर्ड यूज किए इस्तेमाल किए अपनी लाइफ में कि परमेश्वर के दास ने कहा है कि जिसका खून कम है खुदा बढ़ाने के लिए जा रहा है एनॉइंटिंग वाटर और ऑयल का इस्तेमाल किया और सभी आज चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में मीठा मीठा हंसने के खुल के ओ दसने के मीठा मीठा हंसने के खुल के ओ दसने के अज सुवाना नाल होवेगा गवाइयां सुन के शैतान रोवेगा गवाइयां सुन के शैतान रोवेगा गवाइयां सुन के शैतान रोवेगा गवाही सुनेंगे हालेलुया पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही है जो बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि जब काफी समय से शॉप के लेने के लिए ट्राई कर रहे थे पर इनको शॉप नहीं मिल रही थी जे कैंडल मीटिंग में आए इन्होंने घर जाकर कैंडल जलाकर प्रार्थना करी आज जे बता रहे शॉप के साथ ब्लेस हो चुके हैं हेलो
सारों को जय मसीह की, पास्टर जी को भी जय मसीह की, मुझे बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली क्या मिला आपको? बच्चे को ना बुटीक खुला के दिया। ओके, परमेश्वर के दास प्रोफेसी कर रहे थे कि आपके बिजनेस डेवलप होने के लिए जा रहे हैं, कोई बुटीक खोलने के लिए जा रहा है, कोई पार्लर खोलने के लिए जा रहा है। सिस्टर ने अपनी बेटी के लिए प्रोफेटिक वर्ड रिसीव किए बुटीक के लिए। बुटीक बोल रहे हैं ना आप, बुटीक की आशीष मिल चुकी है यीशु मसीह के नाम में। जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। अगली गवाही की ओर जाएंगे, परमेश्वर का थैंक्स करेंगे। नेक्स्ट गवाही। हालेलुया, पास्टर जी सिस्टर जी बहुत बड़ी गवाही है। ये गवाही में बता रहे हैं, इस सिस्टर ने सुसाइड कर लिया था और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, उसे टाइम इन्होंने न्योंटिक ऑयल और वाटर यूज किया, पैर की उसी समय चंगी हो चुकी थी। नाचियां दा राजा साडे नाल नाल रहंदा ए, झगड़ा किया और फिर पौड़ियों पर बैठ के फंदेल की दो गोलियां खा लेती सी। दीदी ने पानी पीते हुए देख लिया सीगा और मैंने उसी टाइम प्रार्थना की और ये चंगी हो गई है। हालेलुया। और आपने एनॉइंटिंग वाटर ऑयल दिया इनको, है ना? क्योंकि परमेश्वर के दास बार बार आपसे यही कहते हैं, यदि आपके पास एनॉइंटिंग वाटर और ऑयल है, अगर आप इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर का अनुग्रह होगा। परमेश्वर के कलाम में लिखा कि कलीसिया के प्रधानों को बुलाओ, प्राचीनों को बुलाओ, वो तेल मलकर प्रार्थना करेंगे, आप चंगे हो जाएंगे। आप जब यहाँ से अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल लेकर जाते हो, उसमें सामर्थ काम करता है, खुदा की अनॉइंटिंग काम करती है। इसीलिए देखो, बच्ची ने बताया कि प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ बच्ची ने जो कुछ भी खाया, अनॉइंटिंग ऑयल वाटर लिया और खुदा ने बिल्कुल चंगा कर दिया यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियां बजाएंगे, खुदा का थैंक्स करेंगे जोर से। यस, सारी ब्रांचों का निकाल शाबाश, जो समय ब्रांच के घर पर है परमेश्वर ने आशीष से यीशु मसीह के नाम में। इसी समय आप देख रहे हैं, मैं सब ब्रांचों के लिए दुआ कर रहा हूं, आप सब खड़े हो जाएं। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे आज? आप चाहते हैं ब्रांच वालों आपको आशीष दे आज? ये परमेश्वर है, आज आपको आशीष देगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, अपने कॉइन को फिर से उठाओ और ब्लेसिंग दे। इसी समय एक दिन के ऊपर हाथ रखूंगा, हर ब्रांच के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। देखो, जब मैं वीरवार भी ऑनलाइन भी प्रोफेसिंग करता हूँ, लोग चंगाई को देखते हैं। मैं इसी समय प्रार्थना करने के बाद आपको मलेशिया ब्रांच की दवाई सुनाऊंगा। आप वीडियो में देखना कि ऐसे यहीं पर बैठकर मैंने एक लड़के के लिए, मलेशिया वाले के लिए प्रेयर किया था, और उसके बाद क्या हुआ कि उसकी जिंदगी में काम हुआ। उसको गिल्टियां गांठें थी और उसको बताया, नाम बताया, उसकी प्रॉब्लम बताई प्रभु ने, और वो बिल्कुल चंगा हो गया। आज दुबई, मलेशिया, मॉरिशियस, संभालखा, दिल्ली, आप कहीं से भी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, हैदराबाद, आप जहां से भी ज्वाइन है, उत्तरांचल, अगरतला ब्रांच, आप जहां जहां से भी हैं, सारे स्क्रीन पर हैं, आपके लिए मैं प्रेयर करूंगा। यूपी, जहां से भी आप मुझे देख रहे हैं, मुजफ्फरनगर से, लखनऊ से आप मुझे देख रहे हैं, सहारनपुर से भी देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। नेपाल से भी आज देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और ब्लेसिंग दे उन ब्रांचों को जो आज ओपन हो रही हैं, मुक्सर में भी, जर्मनी में भी, कनाडा में भी, परमेश्वर ने ब्लेसिंग दे आज यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, आज इसी समय अपने कॉइन को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और इस समय बिलीव करो कि आज पवित्र आत्मा जी तेरा हाथ हमारे सिर पर आने पाए। ये परमेश्वर की ओर से आबा लबा शबा लबा। पवित्र आत्मा कहता है आज, मैं देख रहा हूँ, कोई इस समय मुझे साइप्रस से देख रही है, नीतू
होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। आपके चेहरे पर कोई स्किन एलर्जी है, अगर आप ब्रांच में हैं तो दिखाएं, ऑनलाइन सुन रहे हैं तो आप इसी समय आपको हीलिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई बहन है जिसको स्किन एलर्जी हो चुकी है और उसको डर लग रहा है कोई डॉक्टर मुझे कैंसर ना बोल दे। आप रो रहे हैं, आप परेशान हैं, आप टूट चुके हैं। मैं आपको मॉरिशस से देख रहा हूँ, आपके हाथ पैर बिल्कुल बदलते जा रहे हैं, स्किन बॉडी आप बड़े अच्छे थे, आपका एक बड़ा अच्छा बिजनेस था, लेकिन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया गया, ब्लैक मैजिक कर दिया गया। आपका एक नाम था, आपके न्यूज़पेपर में भी आपका नाम आया, आप लेकिन आप डाउन 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 जाते जा रहे हो। आज स्क्वाइन मीटिंग से आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूँ कि आप बढ़ोगे और आपके काम बनेंगे अब यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जो मुझे इस समय दुबई से देख रहा हूँ कोई, मैं जिस देख रहा हूँ इसी समय SRG जिसके नाम है, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा भी कि मैं आपके कामों को खोलने के लिए जा रहा हूँ। आप एक नई कार के साथ, नए घर के साथ, चाहे आप इंडिया में चाहे दुबई में आप लेंगे, परमेश्वर आपका फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। जम्मू ब्रांच मैं देख रहा हूँ ऐसे कि बहुत सारे पेट के मरीज आज चंगे होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बटाला ब्रांच जो आमीन बोल रहे हैं वो आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ जो बाहर बैठे हैं जलंधर ब्रांच, आप सुनना है ध्यान से, मैं आप सब के ऊपर हाथ रख रहा हूँ, हर ब्रांच के ऊपर, और इसी समय गुड न्यूज़ मिलेगी, परमेश्वर आशीष देगा आपको। मैं इसी समय कोलकाता, झारखंड, धारीवाल ब्रांच, अमृतसर और फाजिलका ब्रांच की बाहर आकर प्रेयर करूँगा। बाकी सब की मैं प्रेयर कर रहा हूँ इस समय, जो जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, हर एक जन को सिखाओ। मैं हाथ रख रहा हूँ आपके ब्रांच के ऊपर, इसी समय साइप्रस, जर्मनी, कैनेडा, यूक्रेन, मैं इसी समय कह रहा हूँ कि हांगकॉन्ग, और इसी समय थारीवाल ब्रांच, बटाला ब्रांच, दुबई ब्रांच, दिल्ली ब्रांच, और इसी समय परमेश्वर हैदराबाद ब्रांच, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ब्रांच, अबालाबा शबालाबा बलाबा शबालाबा बलाबा शबालाबा, हर प्रकार का कर्ज आपके ऊपर से टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर प्रकार की बीमारी आपके ऊपर से जाने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर प्रकार का जुआ आपके ऊपर से टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा मेरे हाथ रखते ही इनकी जिंदगियां बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु आज इस समय पवित्र आत्मा जी इसी समय ब्लेसिंग मिले, और इसी समय परमेश्वर पूना ब्रांच, महाराष्ट्र ब्रांच, इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग खुले। ये देखो, ये खोलो इसको, मैं इसी समय देखो टच करे इस लड़की को यीशु मसीह के नाम में, इसी समय स्पर्श करे यीशु मसीह के नाम में, हाँ बीमार चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आज प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इस ब्रांच को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, मैं इसी समय पवित्र आत्मा जी सारी ब्रांचों को ब्लेस करता हूँ इसी समय, अबालाबा शबालाबा बलाबा शबालाबा, पूना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड ब्रांच, इसी समय यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय कोलकाता ब्रांच को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी दिल्ली ब्रांच को इसी समय परमेश्वर, और इसी समय हाथ रखता हूँ मेरे प्रभु, आज से इनके ऊपर पवित्र आत्मा किसी भली वस्तु की घटी ना हो, क्योंकि तेरा कलाम बोलता है परमेश्वर कि तेरे दाहिने बाईने हाथ में धन, महिमा और लंबी आयु है। मैं आज इनके ऊपर उस हाथ को रखकर आशीर्वाद देता हूँ, हैदराबाद में यीशु मसीह के नाम में, बेंगलोर में यीशु मसीह के नाम में, कर्नाटका में यीशु मसीह के नाम में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, दिल्ली में, इसी समय पवित्र आत्मा देहरादून में, यूपी में, बिहार में, इसी समय परमेश्वर ब्रांच में, फतेहाबाद में, हिसार में परमेश्वर, संभालखा में पवित्र आत्मा जी, आज किसी भी प्रकार की आंखों में कमजोरी है इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में, जलंधर ब्रांच में, बटाला, कपूरथला ब्रांच में, और इसी समय हिसार ब्रांच में, इस समय परमेश्वर विनती करता हूँ फाजिलका ब्रांच के लिए भी परमेश्वर, और इसी समय होशियारपुर ब्रांच के लिए, जम्मू ब्रांच के लिए, इसी समय धारीवाल, अमृतसर ब्रांच के लिए, चंडीगढ़ ब्रांच के लिए, पिता परमेश्वर मैं हाथ रखता हूँ हांगकॉन्ग ब्रांच के लिए भी, दुबई ब्रांच के लिए भी, और इसी समय परमेश्वर राजपुरा पटियाला ब्रांच के लिए भी परमेश्वर, इसी समय मेरे हाथ रखने से इनके ऊपर से वो बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, वो शराब जाते रहे यीशु मसीह के नाम में, आउट निकल जाओ, आउट निकल जाओ, आउट निकल जाओ, आउट निकल जाओ,
आउट, निकल जाओ, हर प्रकार का जुआ टूटे इनके ऊपर से, इसी समय गिल्टियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए, कैंसर बाहर जाए, शुगर बाहर जाए, और ऑस्ट्रेलिया ब्रांच के ऊपर से, न्यूजीलैंड ब्रांच के ऊपर से, मलेशिया ब्रांच के ऊपर से, मॉरिशियस ब्रांच के ऊपर से, दुबई ब्रांच के ऊपर से, इसी समय जो पवित्र आत्मा जी यहाँ पर परमेश्वर बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ किसी के ऊपर जादू टोना और आप बढ़ नहीं रहे हैं, इसी समय वो ब्लैक मैजिक बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में, बाहर 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 बाहर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, इसी समय पानीपत, दिल्ली, झारखंड और धारीवार, अमृतसर ब्रांच और इसी समय गुरदासपुर ब्रांच, इसी समय परमेश्वर बटाला ब्रांच, पवित्र आत्मा में इन सब के ऊपर हाथ रखता हूँ और इसी समय उस शराब को तोड़ देता हूँ जो उनको कमाने नहीं दे रहे, जो उनके हाथों को कमाने नहीं दे रहे, ऊपर करो हाथ, आज आज आपके हाथों पर वो अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं इसी समय उस अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूँ इनके ऊपर, रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूँ इनके हाथों को, क्योंकि तेरे वचन में लिखा कि यीशु को तूने कहा कि तू दाइने बाइने ना मुड़ना, जैसा मूसा कहे वैसा करना, मैं तेरे हाथ के कामों को सफल करूंगा परमेश्वर, आज जो ये ब्रांचें पवित्र आत्मा तेरे दास से प्यार करती हैं परमेश्वर, और तेरे वचन को सुनने के भूखे और प्यासे हैं, आज ये पवित्र आत्मा जी आत्मा को पा कर जाए यीशु मसीह के नाम में, एक बड़ी बेदारी को लेकर जाए आज यीशु मसीह के नाम में, एक बड़ी ब्लेसिंग को खोलता हूँ इनके ऊपर यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर एक ब्रांच को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और शराब को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, इसी समय बीमारियां बाहर जाएं, व्हील चेयर से खड़े हो जाएं, बेड पेशेंट आजाद हो जाएं, इसी समय यूरिक एसिड जाए, थायराइड जाए, अपने हाथों पर हाथ रख लो शाबाश, जिसको भी कहीं प्रॉब्लम है, जिस शरीर में, जिस हिस्से में, जलंधर में, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, अपने सिर पे हाथ रखो और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, इसी समय आपके सिर के ऊपर से बंधन टूट जाए, सर्वाइकल बार, पथरियां बार, रसोलियां बार, कैंसर बार, इसी समय शुगर बार, हार्ट अटैक, जो प्रॉब्लम है किसी के बाल चेंज होने वाले हैं, कैंसल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, इसी समय नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, जिसके पास बेटे की आशीष नहीं है, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, इसी समय ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, अबालाबा शबालाबाबालाबा शबालाबाबालाबा शबालाबा, इसी समय जो हाथ रखे हुए जिनके नाम NRS GHKPL M से P से D से, आपको बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में, मैं देख रहा हूँ जिनके नाम A से PRS, और मैं देख रहा हूँ कि W से V से G से H से C से I से D N नाम वाले घर बनाएंगे पूरे 3.5 महीने के बीतने के बाद यीशु मसीह के नाम में, आपको घर की आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आशीषें खुल जाएं आपके लिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं आपको एक खुशखबरी दे रहा हूँ सबको, सारी ब्रांचों को, कि अब से मैं हर संडे महीने, हर महीने 2 संडे मैं अलग अलग ब्रांचों में जाया करूँगा। हालेलुया, तैयारी करो, आपको पहले से बता दिया जाएगा कि प्रॉफिट जी किस ब्रांच में आ रहे हैं इस बार। हालेलुया, परमेश्वर आपको छूने के लिए जा रहा है, आपको खुशखबरी मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको एक पोस्टर दिखाता हूँ, एक पोस्टर 7 मैं दिखा रहा हूँ आपको, कि ये मेरे स्पिरिचुअल सन है, आप एक पोस्टर को देखेंगे स्क्रीन पर, लाली दिखाएगा और परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, आज से इनकी आर्थिक तंगी का श्राप टूट जाए प्रभु, इनके ऊपर मैं हाथ रखता हूँ इस समय परमेश्वर, और विश्वास करें क्योंकि तेरे दास के हाथ रखने से पवित्र आत्मा जी, आज मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी, इनके घर में से मेरे पिता वो गरीबी के बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आज से वो जो जॉब नहीं है जिनके पास, उनको मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, यह घोषणा करता हूँ, यह भविष्यवाणी है आपके लिए जिनके नाम मैं से देख रहा हूँ, MRSNGPA से D से N से B से, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में, तैयारी करो, ये पवित्र आत्मा है और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि ब्रांच में एक वाइट कलर के, ब्लू कलर के, रेड कलर के, और ऐसे देख रहा हूँ कोई पीले कलर के ऐसे कपड़े पहनकर बैठे हैं, रेड कलर, येलो कलर, कोई ऐसे वाइट कलर, ब्लू कलर, मैं आत्मा में होकर बोल रहा हूँ, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि उनके बच्चों को परमेश्वर एक नई कार के साथ ब्लेस करने वाला यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर इन्हें ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं आपको बता रहा हूँ कि ध्यान से सुनना, कि जो भी ब्रांचों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ लोग सिर्फ अनॉइंटिंग के पीछे भागते हैं, अनॉइंटिंग है हमारे पास मैं कहता हूँ, लेकिन
परमेश्वर की प्रेजेंस जब आएगी तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। याद रखना कि आपको परमेश्वर की प्रेजेंस के पीछे चलना है, इसका मतलब आत्मा को पाना है। जब आपके पास वचन होगा, आप आत्मा में होंगे तो परमेश्वर काम करेगा। जब मैं वचन सुनाऊंगा उसके बाद आपकी जिंदगियों में एक नया टेस्ट आएगा। और जो हमारे इस समय जो भी हमने जिनको स्टाफ को जिनको इमानजलिस्ट को रखा है वो इस समय आपके लिए प्रेयर करेंगे और परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। उस पोस्टर को मैं आपको बाहर आके दिखा रहा हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग देने परमेश्वर, जिन लोगों के ऊपर मैंने हाथ रखे हैं उन्हें गुड न्यूज़ दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे पिता हर एक ब्रांच जो सच में पवित्र आत्मा जी जुड़ी हुई है, मेरे पिता परमेश्वर इनको ब्लेसिंग देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। राजस्थान ब्रांच को, अगरतला ब्रांच को, और इसी समय पूना ब्रांच को, अहमदाबाद ब्रांच को, गुजरात ब्रांच को इसी समय परमेश्वर ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। और अहमदाबाद ब्रांच को पवित्र आत्मा जी, और इसी समय मेरे पिता परमेश्वर दया कर पवित्र आत्मा जी, अंडमान निकोबार में भी पवित्र आत्मा जी, मुक्सर में भी आज पवित्र आत्मा जी, और इसी समय मेरे पिता जर्मनी में कनाडा ब्रांच में भी परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आज से परमेश्वर तेरे काम खुल जाए इन लोगों के यीशु मसीह नासरी के नाम में। तेरे काम करने वाले स्वर्गदूत आज नीचे उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनके कामों को खोलने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक जन ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हैं, आप अपने चर्च में उन गवाहियों को दो। परमेश्वर आपको गुड न्यूज देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जिन ब्रांचों में इसी समय आप सुने बैठ कर गवाहियां और आप रिकॉर्ड करके भेजे हमें, परमेश्वर आपको आशीष दे। तो इस समय आपको सबको बोल रहा हूँ आपके लिए गुड न्यूज़ है। और जो मेरे से प्यार करता है तो वो मेरे जन्मदिन पर जो कोई आना चाहता है परमेश्वर उसको आशीष दे। हम जन्मदिन मनाएंगे दोनों जगह, जलंधर और चंडीगढ़ चर्च में। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। और इसी समय जरा हाथ हिला के बता दो कि आप हमें प्यार करते हैं कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर जितने चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आज़ाद हो रहे हैं वो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आपको 100 गुना बरकत दे। ये जन्मदिन के दिन मैं कह रहा हूँ कि आज अपने एरिया में फ्लैक्स लगाओ, बताओ कि आज आपके प्रभु के दास का जन्मदिन है, आपके पापा का जन्मदिन है। जितने मुझे स्पिरिचुअल फादर मानते हैं, याद रखना जैसा बाप वैसा बेटा, आपके ऊपर जैसा पास्टर वैसी कलीसिया, आपके ऊपर सेम अनॉइंटिंग रिलीज होगी यीशु मसीह के नाम में। अपनी ट्रकों पर, अपनी गाड़ियों पर लगा दो पोस्टर, अपने फेसबुक पर, अपने यूट्यूब पर गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आइए हम गवाहियां सुनेंगे बाहर। हाँ जी, हाँ जी, सब लोग बैठ जाएंगे, वचन सुनेंगे। हाँ जी, सब बैठ जाएंगे अपने स्थानों पे गवाही के साथ। हम गवाही सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी, इन बहनों की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि इनकी बेटी को पिछले 4 साल से फिर से पढ़ते थे और उनकी बेटी को फिर से पढ़ रहे थे। ये बता रहे हैं जैसे ये ताजपुर चर्च में आए, इन्होंने प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया। ये बता रहे हैं कि इनकी यहाँ बेटियां फिर से आजाद हो चुकी है। से गवाही लेंगे, जल्दी से। क्या प्रॉब्लम थी, जल्दी से बताएंगे। सब की जय मसीह की, जय मसीह की। हमको बेटी का 4 साल से दौरा पड़ रहा है, तेल कहीं पानी लगाई चंगाई हो गया है। से बता रहे फिट्स पड़ते थे, एनांटिक वाटर ऑयल को लगाया और फिट्स पड़ने बंद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। जोर से ताड़ियां बजाएंगे इस गवाहियों के लिए। ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले तू पैरा तले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे आशीर्वाद तू पैरा तले। कितनों को विश्वास है, जैसे परमेश्वर के दास ने आज बोला, यदि मूसा की सुनोगे तो यहोवा आपके सारे कामों को सफल करेगा। जो परमेश्वर के दास आज वचन से गाइड करें, जो आपको समझाएं, जो प्रोफेटिक वर्ड दें, उसे रिसीव करना। खुद आपके लिए बेस्ट करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। गवाही सुनेंगे, गवाही। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी, इन सभी की बहुत बड़ी गवाही है। ये सभी जन नई नई चीजें लेना चाहते थे पर ले नहीं पा रहे थे, और जैसे ये ताजपुर चर्च में आए, पापा प्रोफेसी कर रहे थे कि आप नई नई चीजों के साथ ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने उन प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, आज ये बता रहे हैं ये नई नई चीजों के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया, 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 आमीन।
से गवाही देंगे ब्रदर? सारी कलेसिया की जय मसीह की। जी मैं गाड़ी नहीं ले पा रहा सीगा, गाड़ी मैं ले चुका हूँ जी। मेरे फैमिली पूरी एक हफ्ते से बीमार सीगा, बुखार से सारे पैसे बोल ला नहीं सही होता सीगा। तो जी परे टावर से फोन कराया सामने से फोन सारे मेरे परिवार से सब बच्चे से चंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट सिस्टर की जल्दी गवाही लेंगे। सारी कलेसिया नु जय मसीह दी। मैं पापा जी को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है, पापा जी प्रोफेसर कर रहे थे कि कुछ लोग नवी नवी चीजें के साथ प्लस होने के लिए जा रहे हैं, मैंने रिसीव किया और मैं एसी और बेड के साथ प्लस हो चुकी हूँ। हालेलुया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। पापा जी की जय मसीह की। पापा बोले थे कि पुराना सामान जा रहा है, नया सामान आ रहा है। मेरा बैग पुराना बिक गया, नया सामान आ गया है, नया मोबाइल भी आ गया, नया गोल्ड भी आ गया। हालेलुया। आपके सामने लाइन लगी हुई है। परमेश्वर के दास ने कहा नई नई चीजों के साथ ब्लेस हो रहे हो, गोल्ड के साथ, गाड़ी के साथ, एसी के साथ, फ्रिज के साथ और चंगाई के साथ ब्लेस हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। नची नची के, नची नची के, आज नची नची जश्न मनावांगे। नची नची के, नची नची के, आज नची नची जश्न मनावांगे। गवाही लेंगे। हालेलुया। पास्टर जी इस बैंड की बहुत बड़ी गवाही है। जे बैंड अपनी गवाही में बता रही है कि जो 2 साल से इनकी पूरी बॉडी में स्किन एलर्जी हो चुकी थी और जे बैंड बहुत परेशान थी, जैसे ये चर्च में आए अनॉइंटिंग वाटर यूज किया, ये स्किन एलर्जी से आजाद हो चुकी है। हालेलुया। यीशु तेरे घर में मसा, यीशु तेरे घर में मसा, दीदी मसा, दीदी मसा, दीदी मसा, दीदी मसा, दीदी मसा, दीदी मसा, ओ दीदी ताजा मसा। डॉक्टर के पास गई, आराम नहीं आया, लेकिन जब यीशु के पास आई, प्रॉफिट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में आई, अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल को लगाया, सारी एलर्जी जा चुकी है और चंगी हो चुकी है यीशु के नाम में। कोई केंदा तर मनु भूल गया हो, कोई केंदा पैसिया ते डुल गया हा, कोई केंदा तर मनु भूल गया हा, कोई मारदा है ताने झूठे लब के बहाने, कोई मारदा है ताने झूठे लब के बहाने, मैं पैसे अति नहीं बिकियो मैनू यीशु दे प्यार सुनेंगे जल्दी से। हालेलुया। पास्टर जी इस भाई की बहुत ही बड़ी गवाही है। ये काफी समय से नया बिजनेस खोलने के लिए ट्राई कर रहे थे पर नहीं खुल पा रहा था। इन्होंने स्पेशल बीज बोकर स्पेशल ले हैंड प्रार्थना करवाई। भाई बता रहे हैं नए बिजनेस के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया। ओए मौजा लगी गईयां ने, ओए मौजा लगी गईयां ने, ओए मौजा लगी सुनेंगे ब्रदर की। सिस्टर देंगी, चलो गवाही सिस्टर से सुनेंगे। जल्दी गवाही दो बेटे। मैं जयमसी दी, पापा नु जयमसी दी कहनी। हां जी ते गवाही बताएंगे। गवाही आडा रुकया होया काम ही सी ते कोई बांदा नहीं ते अही पापा नु पांचवें महीने च असी बी पाया ते साडे काम सारे खुल गया। जिसे बता रही है बिजनेस चल नहीं रहा था, बिल्कुल बंद हो गया था, बीज बोया, प्रेयर करवाई और खुदा ने दरवाजा आशीष का खोल दिया यीशु मसीह के नाम में। मेरी हार्ट बीट पे यीशु दा नाम बोलदा, मेरी हार्ट बीट पे यीशु दा नाम बोलदा, मेरी हार्ट बीट पे यीशु दा नाम बोलदा, मेरी हार्ट बीट पे यीशु दा नाम बोलदा। हालेलुया।
कितने लोग खुश हो रहे हैं। हम अगली गवाही की ओर जाएंगे, तालियां बजाते रहें क्योंकि रिसीव करे परमेश्वर की अनॉइंटिंग हमारे बीच में है। yes. परमेश्वर के दास हमारे बीच में आने वाले हैं। yes. और वही मसा को आज आप मांगे, अनॉइंटिंग को मांगे, चंगाइयों को मांगे, क्योंकि खुदा, क्योंकि मूसा के चेहरे से जो लाइट्स लोगों पर आती थी तो लोग आशीषों को पाते थे, वही आशीष आज आप लोगों के ऊपर आए। ऑनलाइन चर्च आप भी रिसीव करेंगे परमेश्वर वही मसा, वो डिलीवरेंस हमारे ऊपर तेरे दास को देखने के द्वारा आए। कितने लोग चाहते हैं ऐसा हो आज। yes. उठाएं हाथों को, जोरदार ताड़ियां बजाएंगे, खुदा का थैंक्स करेंगे और हम गवाही सुनेंगे। हालेलुया। पास्टर जी, इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहे हैं कि इनके ऊपर झूठा केस हो गया था जिसके कारण ये बहुत परेशान थे। जैसे ये ताजपुर चर्च में आए, प्रॉफिट जी प्रोफेटिक वर्ड बोल रहे थे कि जिनके ऊपर केस है वो आजाद होने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और ये बता रहे हैं उस केस से आजाद हो चुके हैं। मेरी ये जित मेरी ही है, ये सुना नाम बिच जितनी हूण मेरी है। ਸਾਰੀ ਕਲੇ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਕਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਕੋਰਟ ਕੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਬਜਾਏਗੇ ਇਨ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਨਾਮ ਮੇਂ ਜ਼ੋਰ ਸੇ। Oh, my God.
होवा सांभ के कदे छल ना कपट आवे मैनू रखी दुनिया होवा सांभ के कदे छल ना कपट आवे सोठी लाठी वाली ताड़ नाल रखी मैनू कदे ना कमंड आवे सोठी लाठी वाली ताड़ नाल रखी मैनू कदे ना कमंड आवे मैनू बिच आसमाना रे तालियों के साथ मैनू बिच आसमाना रे यीशु राजा जी नजर आवे मैनू बिच आसमाना रे यीशु राजा जी नजर आवे हाँ मीठा नाम यहोवा दा मेरे दिल बिच बस जावे मीठा नाम यहोवा दा मेरे दिल बिच बस जावे मीठा नाम यहोवा दा मेरे दिल बिच बस जावे मीठा नाम यहोवा दा मेरे दिल बिच बस जावे मीठा नाम यहोवा दा मेरे दिल बिच बस जावे जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर के दास का परमेश्वर के नबी का हमारे बीच में तालियों के साथ स्वागत करेंगे आनंद करते हुए सब लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर शाबाश पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और यहां पर बैठे हैं सब लोग अपने हाथों को उठाओ और आंखें बंद करो और एक विश मांगो परमेश्वर से पवित्र आत्मा आपको छूने के लिए जा रहा है स्माइल दो शाबाश आज परमेश्वर को जो आप मांग रहे हैं वो मिल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन परमेश्वर जो ये मांग रहे हैं दे आज जो ये मांग रहे हैं इन्हें दे परमेश्वर आज आमीन जो ये मांग रहे हैं इन्हें दे परमेश्वर आज जो ये मांग रहे हैं इन्हें दे परमेश्वर आज पवित्र आत्मा छू ले आज मांगो शाबाश मुंह खोल कर आज जो मांग रहे हैं उन्हें गुड न्यूज मिले यीशु मसीह के नाम में जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में हां जी शाबाश गवाही के साथ कितने लोग खुश नहीं है हाथ उठा के बताओ शाबाश हां परमेश्वर याद से खुश हो जाएं बैठ जाओ शाबाश प्रभु का आत्मा आपको छुए और बरकत दे सब लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर आज प्रभु बोझ है आज सबको प्रभु बोझ मिलेगा वचन के बाद जो इस समय ब्रांचों में बैठे हैं शाबाश हाँ फटाफट गवाही के साथ जल्दी जल्दी हालेलुया हाँ प्रॉफिट जी ये बहन बता रहे हैं काफी समय से यूके के वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे मगर लग नहीं रहा था स्पेशल ले हैं प्रेयर करा के गए आज गवाही के साथ आए यूके वीजा के बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे अच्छे दान रूप तू पहरा थल्ले बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे अच्छे दान रूप तू पहरा थल्ले ले हैंड प्रे कराने के बाद काम खुलते हैं आपके सामने जब इन्होंने कराई परमेश्वर ने आशीष दिया जैसा परमेश्वर का दास के वैसा मानते हैं तो अनुग्रह बढ़ता है लोगों के ऊपर जब आप अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर जाते हैं आपके काम खुलते हैं हालेलुया बैठ जाएं सब सोने के शाबाश फटाफट हाँ बेटे कहाँ से आए बताएंगे शाबाश जय मसीह के पापा जी हाँ हाँ पापा मेरी ये गवाही है कि मैं 4-5 साल से ट्राई कर रही थी यूके के वीजे का पर मेरा लग नहीं रहा था मैंने 20 अगस्त को ले हैंड प्रेयर कराई और मेरा 24 अगस्त को वीजा आ गया सुन रहे हैं आप क्या बोल रही है वो ये कह रही है कि मैंने कितने दिन पहले कराई थी 20 अगस्त को आया कब 24 अगस्त 4 दिन में हालेलुया सुनो देखो जो कितना कितना बड़ा चमत्कार है जो लोगों के काम अड़े हुए हैं सिर्फ 4 डेज में खुल रहे हैं 3 डेज में खुल रहे हैं 7 डेज में खुल रहे हैं आपका आना यहाँ व्यर्थ नहीं है हालेलुया मैं कह रहा हूँ आज बेशक आप कैसे भी कपड़े पहन कर आए हो लेकिन एक दिन राजा वाले कपड़े पहन कर आओगे यीशु मसीह के नाम में आमीन बोलने के लिए तैयार हो के नहीं चर्च
हर ब्रांच में आशीष खुलेगी आज के बाद यीशु के नाम में। ये विश्वास करना है। हाँ हाँ, देखो ये परमेश्वर है और ये कनाडा यूके के वीजे के साथ आई है। और तेरे को मैं गुड न्यूज दे रहा हूँ, मेरा भी लग गया है। हालेलुया, ये मेरी भी गवाही है। मैं भी गया, उन्होंने कहा आप क्यों कष्ट कर रहे हो, हम आपके घर भेज देंगे। इसका चार दिन में आया, मेरा 24 घंटे में आया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्रोफेट जी अमेजिंग टेस्टिमनी है। ये बहन बता रही है काफी समय से इनकी फैमिली वीजा के लिए ट्राई कर रही थी, लग नहीं रहा था। आपने कहा अमेरिका कनाडा के वीजे आने के लिए जा रहे हैं, चर्च आए, स्पेशल लेहन प्रेयर करा के गए, एक नहीं दो कनाडा के एक अमेरिका का वीजा आ गया। तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से बले बले। अपने पड़ोसी को बोलो इतनी गर्मी में, कह रहे तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। ताली मिलके बजाओ आज महिमा, ताली मिलके बजाओ आज महिमा उसकी गाओ आज, जो जानते नहीं यीशु को उनको ये बतलाओ आज। ताली मिलके बजाओ आज महिमा उसकी गाओ आज, जो जानते नहीं यीशु को उनको ये बतलाओ आज। साथ बजाने से फिर मिलकर गाने से, गवाही देकर बताओगे कि नहीं मुझे आनंद मिलता है। yes. इतनी सड़ी हुई गर्मी में भी आपको आनंद मिल रहा है, और जो बाहर घूम रहे हैं वो एसी में बैठे, उन्हें तब भी आनंद नहीं मिल रहा। समझ रहे कि नहीं, आज के दिन आपके पसीने की बदबू आ रही होगी, सूंघ कर देखो, लेकिन भाई साहब थोड़ी देर के बाद आनंद मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। बैठ जाओ, उन्हें पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज मेरे बच्चे को आनंद मिलेगा। ये भविष्यवाणी है, कोई यहां से जाएगा उसके बच्चे को गवर्नमेंट जॉब की खुशखबरी मिलेगी आज। मैं कह रहा हूं कल नहीं आज मिलेगी चर्च। कोई ऑनलाइन चर्च में बैठा है, कोई आज रात के बाद कोई औरत अपने पति को खुशखबरी देगी यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कह रहा हूं आप समझ रहे हैं? हालेलुया, बैठ जाए शाबाश। हाँ हाँ, सुनेंगे, देखो कितनी जबरदस्त गवाही है बहन जी दी। ऐसे कोनो तो ज्यादा लेने चाहिए। हालेलुया, भेजो भेजो भेजो। सारे कहते ने पास्टर बजिंदर लेंदा है, फिर मैं कह चलो खुल के ही आ जाइए। हाँ जी हाँ जी, दसो दसो। हाँ जी, मैनू पापा जी ने मतलब के वचन दिते सीगे, मेरी दो नी तीन नी चार चार गवाहियां ने। बेटी मेरी इटली तो आई है 22 तरीक न, बेटी मेरी 25 अप्रैल न अमरीका च पहुंच चुकी है। मेरा और मेरे बेटे का कल भी वीजा आ चुका जी। कहाँ कहाँ? कनेडा का वीजा आ चुका जी। कहाँ कहाँ के वीजे आए आपके? एक का आया जी इटली का। हाँ। ओ 1.5 साल हो गया, बेटी हुण आई हुई है छुट्टी जी, इत्थे वी चर्च जी है। हाँ जी। एक अमेरिका च 25 अप्रैल पहुंच चुकी है। हाँ। और बेटा और मैं रह गए सी पापा जी, ओ साडा वीजा कल शामी 7 बजे आ चुका जी। हालेलुया, जोर से तारीफ करो। कनाडा, इटली, यूएसए, एक ही घर में इतनी बरकत है। कहाँ से आई हो तू? थोड़ा सा अंबाला से आई। अंबाला से? तेनू हला दे माड़ी जी, हला दो पापा जी, मेरी सेहत ठीक नहीं। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे, जहाँ तेरी बेटियों को भी बच्चा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज मिलेगा। बोलो हालेलुया। बस माड़ा जा साडा भी ध्यान कर ले उते।